बिल्कुल स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। हाँ देख पा रहे हैं लक्ष्मीकांत आप मेरी स्क्रीन? नहीं पुणे तब तक नहीं आया। नहीं पुणे अभी तक नहीं आया आपकी स्क्रीन। ओके स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर, साइन इन करने को बोल रहा है। लेकिन अब आप देख नहीं पा रहे हैं ना नहीं स्क्रीन मेरे को? हाँ स्क्रीन आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है अच्छा बिल्कुल। जी, सीआरआर भी आपको करनी है, पहले इसको कर लीजिए फिर मैं सीआरआर कर दूंगा आपको। तो मुझे पहले क्या करना है कि एक फोल्डर क्रिएट करना है, स्क्रीन स्क्रीन ये हो यानी गया, स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा जी, हाँ स्क्रीन शेयर नहीं है। देखा ना, हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल क्रॉ का फोल्डर बनाया है मैंने ना, ये इसके अंदर तीन पाइप हाँ हैं। ओके। तो स्त्री सिचुएशन नहीं, उसका आपको नया बनाना है, क्रो वन करके बनाना है। ये नया ही बनाया मैंने अभी। ओह ठीक है ठीक 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 हाँ जी, हाँ जी, उसमें सिर्फ टेस्ट डॉक्यूमेंट है, इमेज वगैरह कुछ डाल दीजिए ये उसमें। टेस्ट टेस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, टेक TXT। उम्मीद आपका स्क्रीन फिर से विजिबल नहीं है मुझे। ये मिनिमाइज करता हूँ ना तो ये चला जाता है, जब मैं आपने विंडोज स्क्रीन पे भी है। वहां पे नहीं, आपने स्क्रीन वहां पे ऑल परमिशन देना है, लाइक एंटायर स्क्रीन वहां पे आपको परमिशन देना है, तब भी जाके शेयर होगा। एंटायर स्क्रीन का परमिशन दिया है मैंने। नहीं आ रहा है, हाँ भी आ रहा है। पुनीत एक मिनट, बस पुनीत एक मिनट लाइन करो, एक मिनट। नो या पुनीत ओके, हाँ जी। आपका स्क्रीन विजिबल है। अब मैं टेस्ट डॉक्यूमेंट है, टेस्ट डॉक्यूमेंट की जगह पे और कुछ ले लीजिए, इमेजेस वगैरह, या फिर कोई अच्छा, ऑडियो फाइल होगा तो उसको भी ले लीजिए। ऑडियो फाइल तो कोई इमेज सेव कर लेता हूँ गूगल से। यही अपलोड कर देता हूँ मैं इतना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ऑडियो फाइल नहीं वाला तो छोड़ दीजिए, पुनीत ऑडियो फाइल छोड़ दीजिए। ये मेरे डेस्कटॉप पे
पड़ा है ग्रॉक का फोल्डर DIR डायरेक्टरी, इसको पुनीत आप अभी इस पे मत कीजिए, CLI पे नहीं, अभी अच्छा इस पे नहीं उस पे करना। देने, अभी उस पे करना है और उसके बाद मुझे CLI पे चेक करना है। आप जो अच्छा बकेट क्रिएट करोगे बिल्कुल फ्रेश बकेट होना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, क्रिएट बकेट किया मैंने, बकेट में क्रॉ इसे पैसे से क्रिएट। हाँ बेटी लिस्ट ये मैंने वर्जनिंग अनेबल कर दिया है लक्ष्मीकांत दिन पे, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं सारे जो बकेट आपको के। क्या करना है, S1 पे, सॉरी S3 1, उसको मुझे पब्लिक, मुझे उसका लिंक भेजो ताकि मैं डॉक्यूमेंट को यहाँ पे एक्सेस कर सकूँ। अच्छा जी पुनीत, 1 मिनट मैं कॉपी के लिए टेस्ट करता हूँ उसको। अब उसपे वर्जन आपने इनेबल कर दिया है तो हाँ जी बस मुझे यहाँ पे डिलीट मार करके फंक्शन आपको दिखाना है। तो ये दिखा रहा है जैसे ये इसका वर्जन अवेलेबल है लक्ष्मीकांत।
हमने जी एक डिलीट किया है ना S3 को हमने, ये जो S3 डॉक्यूमेंट है इसका तो वर्जन हमारे को अवेलेबल है 5 bytes का। उसको रिस्टोर कैसे किया जाए? रिस्टोर इसको सिलेक्ट करके डाउनलोड कर लूँगा बास्केट के अंदर, तो बकेट के अंदर तो वापस रिस्टोर नहीं होगा कि हो जाएगा। आपका टेस्ट है वो, उन्हें 5 मार्क का है। हाँ जी अच्छा, तो मैं अपलोड कर देता हूँ इसको इस वाले को। सॉरी पुनीत, और टाइम लोगे करने के लिए? मेरे को तो बस इसको यही पता है कि रिस्टोर करने के लिए इसको डाउनलोड करूंगा और अपलोड फिर से कर दूंगा। पुनीत छोड़िए। अच्छा तो पुनीत ये आपका एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, 5 मार्क्स रिडक्शन हुआ है यहाँ पे, उसको कैंसिल कीजिए। जो मेरा डिलीट पॉइंटर पे है उस पर आपको टिक करना है। जो डिलीट पॉइंटर पे, जो डिलीट पॉइंटर पे S3 टेक्स्ट पे ऊपर रख लीजिए, नीचे नीचे नहीं वो वाला, हाँ उस पे जाए एक्शन पे, नहीं, वही वाला जो वाला आपने चूज किया था एक्शन पे, वहां पे डिलीट आ रहा है नीचे, डिलीट डिलीट आ रहा है। डिलीट कीजिए, वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा। डिलीट डिलीट, अब वो तो फिर रिस्टोर हो गया, हाईवे अच्छा मैं पे आ बकेट, गया। तो में जाके देखता हूँ। ये होता है उसका पर्पस, किसका डिलीट मार्क करता है। अच्छा जी ओके 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 थैंक यू। यहाँ पे माइनस हुआ पर आपको सीख में पाया क्या करना है, डिलीट मार्केट का पर्पस। क्लियर हो गया। वर्जनिंग का पर्पस मुझे एक बार देखा लीजिए, शो कर दीजिए। वर्जनिंग जैसे मैंने दिखाया तो इसका जो, या भी ये लेटेस्ट वर्जन दिखा रहा है इसका, अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो इसका वो भी दिखाएगा ये पुराना। अपना अभी तो जो किया मैं वो खोल के है, दिखा, वो वर्जनिंग का है, बस मुझे अगर अपलोड करना है नया फाइल, उसको अपलोड करके एक बार देखा। जैसे मैं इसमें S3 में कुछ चेंजेस कर देता हूँ, इसमें test 2 डाल देता हूँ और इसको सेव कर दिया मैंने। तो मैं इसको फिर से अपलोड कर देता हूँ इसमें। रिफ्रेश, तो ये इसके 2 वर्जन्स दिखा रहा है। लेटेस्ट को ओपन करूँगा तो इसमें test 1 और test 2 है, और अगर पुराना वर्जन ओपन करूँगा तो उसमें सिर्फ test 1 होगा। ठीक है बच्चा, ताकि पुनेट पुनेट ये था आपका 5 मार्क का क्वेश्चन, जिसमें से मुझे आपको 3 माइनस करना पड़ा, ओनली फॉर दिस डिलीट मार्क का। ओके, अब मुझे आपको दिखाना है क्रॉस रीजन एप्लीकेशन, उस चीज का प्रैक्टिकल किस तरह से आपको करना है। अगर मैं आपको टास्क दूं कि मेरा जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, मेरा स्टोरेज है, स्टोरेज सिस्टम है, तो आप वहां पे किस तरह से क्रॉस रीजन एप्लीकेशन ओपन करोगे अकाउंट। तो ये जैसे मुझे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में S3 बकेट कॉपी करनी है लक्ष्मीकांत, तो इज इट पॉसिबल? हाँ अच्छा जी मतलब बकेट को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट बकेट के अंदर जो डेटा है आप सेम ही डेटा दोनों साइड क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, सेम बकेट मल्टीपल रीजन पे भी स्टोर कर सकते हो, कोई इशू मतलब नहीं जैसे है। puneet@crore2020 से मेरे को आपका कोई अकाउंट है बकेट lakshmikant@crore2020 ट्रांसफर नहीं होगा, तो बकेट ट्रांसफर नहीं होगा, बट अच्छा जी बकेट के अंदर जो कंटेंट है वो आप क्या कर सकते हो, दोनों डिफरेंट रीजन पे जो बकेट होंगे उसमें स्टोर कर सकते हो। वही तो मैंने आपको बताया था CRR में, क्रॉस रीजन एप्लीकेशन में, अच्छा जी तो उस चीज को एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा दो। अच्छा जी ठीक है लक्ष्मीकांत, तो और बताइए कुछ, अगर CLI पे कुछ करके दिखाना है क्या? CLI का नहीं, एक्चुअली CLI क्या है ना, CLI आपका जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन कुछ पूछूंगा जिसके बारे में आपको बताना है, बट आपको CRR बस करना है यहाँ पे प्रैक्टिकल, CRR का अच्छा जी CRR का मुझे आता नहीं, मैंने किया नहीं। प्रैक्टिस नहीं किए। नहीं ओके फाइन, तो मुझे एक्चुअली आप मैंने बता वो दे, जो वीडियो है जो हमने किया था वो मिला नहीं है उस पे YouTube पे ना, मैडम ने शायद डाला नहीं है वो वीडियो। आपने मैडम को बताना पड़ेगा, मैडम मुझे दे दीजिए, मैंने मैडम उनसे पूछ रहे हैं आपको। पूछा, हाँ जी मैंने उनको बोला सारे वीडियो डाल दिए क्या आपने, पूछूंगा एक बार फिर दोबारा।
ठीक है मैं नहीं है ठीक कि है क्लास के ठीक बाहर डाल लेती हूँ, लेकिन सिर्फ 4 वीडियोस अवेलेबल हैं उस पे यूट्यूब पे। जब यूट्यूब पे। हाँ जी क्या हमारे 6 क्लासेस हो चुके हैं, 6-7 क्लासेस हाँ हो जी चुके हाँ हैं। हाँ जी हाँ जी कोई नहीं, उन्हें अभी आपको मुझे क्वेश्चन बताना है, ठीक है। सीएलआई पे मुझे अगर एक्सेस करना है तो वहां पे मुझे पॉकेट के ऊपर कौन सा ऑप्शन को एक्टिवेट करना चाहिए? CLI से अगर किसी बकेट को एक्सेस करना है हाँ, तो बॉकेट के ऊपर कौन सा कंडीशन एक्टिवेट होना चाहिए? के ऊपर कौन सा कंडीशन, पता नहीं लक्ष्मण, मेरे को मैंने पढ़ा नहीं है, बॉकेट के क्योंकि अंदर मेरा तो आपके पास एक्सेस हो जाता है ऐसे ही। मैं एक्सेस की से और उससे लॉगिन करता हूँ जैसे ही, तो अपने आप एक्सेसिबल हो जाता है। आपको एक्चुअली एक्टिवेट करना पड़ता है प्रोग्रामेटिक एक्सेस ओके ओ यस, प्रोग्रामेटिक जब आप एक्सेस, अकाउंट आप क्रिएट करते हो। अकाउंट क्रिएट तो करते हुए। हाँ जी हाँ, अकाउंट क्रिएट करने अकाउंट। के बाद जब आपको रहेगा तभी जाके आपका पॉकेट आपका इसमें सबसे पहले एक्सेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, आपको ये एक्सेस की आईडी और एक्सेस जो सीक्रेट पासवर्ड है वो अगर आपको आपने डिलीट कर दिया है तो दोबारा से रिजनरेट करके किसको कैसे करोगे? डिलीट करके, डीएक्टिवेट करके डिलीट कर दिया, तो उसमें क्रिएट का बटन आता है ना, क्रिएट एक्सेस की। करके ये मैं इसको इनएक्टिव कर रहा हूँ पहले, तो ये क्रिएट एक्सेस की आ गया, ये ओके। मैं क्रिएट कर दूंगा, नहीं एक और क्रिएट होगी और डाउनलोड CSV कर लूंगा। फाइन, यस, हेलो। हाँ, अरे उन्हें एक मिनट बस, मैं तो छोटा सा हाँ जी हाँ सिग्नेचर दिखा रहा हूँ, ठीक है, बस छोटा सा सिग्नेचर ही है। हेलो पुनित, ओके, हेलो हाँ जी लक्ष्मीकांत, हाँ जी हाँ जी हेलो पुनित, हाँ जी लक्ष्मीकांत, कैन यू हियर मी? आर माई ऑडिबल? यस आई कैन हियर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो पुनित, आर माई ऑडिबल? हेलो, यस या हेलो 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 पुनीता माय ऑडिबल? आप पुनी, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रहा है? पुनीत, हाँ जी सुन पा रहा हूँ पूरी, आपको आई मेरी एम आवाज आ पुनीत। रही है क्या? नहीं, अभी एक्चुअली आ नहीं रहा था, मैं काफी टाइम से उसको पिंग कर रहा था आपको। ओके,
आपको फिर क्रॉस रीजन एप्लीकेशन आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि वो चीज आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कल आप जो CLI मुझे बता रहे थे उसके हिसाब से क्या हुआ? वो मैंने एक्चुअली रीजन सिलेक्ट नहीं कर रहा था मैं उसमें ना, रीजन सिलेक्ट ना करके भी नहीं हुआ? नहीं हो नहीं रहा था फिर वो। मैंने जब रीजन AP साउथ वन किया तो उसके बाद अच्छे से मुझे भी वही फोल्ट आया था। एक्चुअली यहाँ पे अभी वो रीजन स्पेसिफाई करना पड़ रहा है। मैंने एक्चुअली इस पे CLI को प्रैक्टिकल क्यों नहीं दिया, एक्चुअली CLI क्या होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड होता है। अगर आप विंडोज से करना चाहते हैं तो CLI का थ्रू आपको इस तरह से करना है। अगर आप कोई लिनक्स यूज कर रहे थे तो इस वजह से उसको इस टेस्ट के अंदर उसको कॉन्फिडेंस नहीं दिया। ठीक है, ओके। सो पुनीत, अब मुझे बताओ S3 Pocket पूरा पूरा समझ में है? हाँ जी, मुझे तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। बस हाँ, एक चीज रहेगा, क्रॉस रीजन एप्लीकेशन वो आपका रहेगा। और हाँ, यहाँ पे और एक चीज है, बेसिक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, अगर कोई आपको इस तरह से टास्क दे कि मैं पूरे कंपनी का, मान लो आपका HR है, ठीक है, वो HR चाहता है उसका पूरा का पूरा जो डी ड्राइव है उसमें जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सब क्या करे, पर्सनल एक AWS अकाउंट करके उसमें पॉकेट क्रिएट करके उसके अंदर स्टोर करे, ठीक है, उस जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा? सिंक कर दूंगा। नहीं, मान लो उसका जो हार्ड डिस्क, आपको ये चीज पहले कंसिडर करनी है, डी ड्राइव का डेटा स्टोरेज कितना है। अगर वो लेस देन 5 TB हुआ तो आप क्या कर लो, सिंक करने से वो बकेट के अंदर स्टोर हो जाएगा। बट अगर आपका डेटा 5 TB से ज्यादा है देन वहां पे जो डेटा स्टोर होता है वो मल्टी पार्ट में स्टोर होता है, यानी कि डेटा स्मॉलर स्मॉल पीस में डिवाइड होके स्टोर होता है। ठीक है, एक पॉपुलेशन आपका मल्टी पार्ट अपलोड, ये थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है, उसको एक बार तो आप फिर देख लेना। हाँ जी सर, यस मैंने थियोरेटिकल कुछ नहीं पढ़ा है लक्ष्मीकांत, मैंने सिर्फ प्रैक्टिकल किया था, टू बी वेरी ट्रू। नहीं, पुनीत, प्रैक्टिकल नॉलेज आप यहाँ पे जितना चाहिए उससे ज्यादा आपको थियोरिटिकल समझ आनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई आपको सिस्टम दे रहा है तो वो 1.5 करोड़ या फिर 2 करोड़ के आसपास के डिवाइसेस वहां पे इम्प्लीमेंट हुए होंगे। अगर आपका थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट, आपको आइडिया नहीं है, तो गलती से आपने कुछ कर दिया तो नुकसान तो हो जाएगा ना, वही बात है। तो थियोरिटिकल में भी थोड़ा आपको ध्यान देना है। ठीक है, ठीक ओके। है सर। सो पुनीत, हमारा जो ये था लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ तो था, आपने ठीक क्या है, बताया इसका एक एक तो बार लक्ष्मीकांत, अगर 5 TB से ज्यादा होगा तो वो अपने आप ब्रेक करके वहां, उसको। नहीं, वहां पे आपको मल्टी पार्ट अपलोड आपको वहां पे परफॉर्म करना पड़ेगा। मल्टी पार्ट अपलोडिंग मैंने आपके लिए अभी तक नहीं बताया, कुछ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको अभी नहीं बताया। जब मैं इंस्टेंस के आखिरी में आपको बताऊंगा डिफरेंस, एक हमारा है EPS करके, एक वहां पे है EPS, और वहां पे होता है हमारा इंस्टेंस स्टोर, एक होता है EPS स्टोर, दूसरा होता है इंस्टेंस स्टोर। तो उन दोनों में जब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है, तब जाकर मैं इस चीज को वहां पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक एसटी पॉकेट के अंदर मल्टी पार्ट किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो है। अभी तक मुझे बताओ EC2 में कोई डाउट है? EC2 में से हमने थियोरेटिकली किया है, प्रैक्टिकल तो कुछ किया नहीं अभी। प्रैक्टिकल तो अभी कल तो करेंगे प्रैक्टिकल, आज थियोरिटिकल मुझे खत्म करना पड़ेगा आपको। ठीक है, हाँ जी हाँ बस जी। मुझे बताइए अभी तक थियोरिटिकल में कुछ डाउट है आपको? नहीं लक्ष्मण, मुझे डाउट नहीं है, लेकिन ये मेरे पास अगर वीडियो नहीं मिलेंगे ना मुझे, तो फिर मैं उसको रिवाइज नहीं कर पाऊंगा पुनीत, प्रॉपरली। आप पुनीत, मैं समझ रहा हूँ उस चीज को। पुनीत, आप बस मैम से पर्सनली उनको बात करना कि फैकल्टी तो बोल रहा है कि आपको दे चुके हैं लिंक, तो आप उसको अपलोड क्यों नहीं कर रहे? अगर कर नहीं रहे हो तो मेरे साथ लिंक पर्सनल शेयर कर दो, मेरा स्टोरी यहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक है, तो उस है तरह से सर। उनको फोर्स करना पड़ेगा आपको एक बार। ठीक है, तो पुनीत, आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमने ऑलरेडी दो इंस्टेंसेस शायद हमने डिस्कस कर रहे थे, मतलब कर लिए थे, जैसे कि आपका हो गया जनरल पर्पस हमने कर दिए थे, तो एक ही इंस्टेंस हमने किए थे, बाकी कॉम्प्यूट मेमोरी एक्सिलरेट स्टोरेज हाई प्रोसेसर एंड प्रीवियस, इन सबको मुझे क्या करना है आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ठीक है तो सर। यहाँ पे जो चीज मैं आपको बताऊंगा, देखो पूरा तो नहीं बताऊंगा, मैंने आपको बता रखा है कि प्रैक्टिकल के लिए आपको पूरा नॉलेज, पूरा थ्योरेटिकल मतलब रटने की जरूरत नहीं है, जितना आपको चाहिए बस उतना बता रहा हूँ। ठीक है, वहां पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वहां पे स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम यूज करते हैं कॉम्प्यूट ऑप्टिमाइज के। कॉम्प्यूट ऑप्टिमाइज जो ये टर्म है उसका मतलब क्या है कि जहां पे हमारा प्रोसेसिंग, ठीक है, एक मिनट एक अच्छा फिर मिनट, सॉरी,
सॉरी पुनित, पुनित यहाँ पे जैसे बताता हूँ। हाँ हाँ, कंप्यूटर ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है जहां पे वर्कलोड हमारे बहुत ज्यादा है, जहां पे कंप्यूटर यानी कि सिस्टम का प्रोसेसिंग यानी कि लॉजिकल जो कन्वर्सेशन है वो काफी ज्यादा हाई चाहिए। उस जगह पे हम क्या करेंगे, जो इंस्टेंस को इंप्लीमेंट करेंगे वो ही हमारा कंप्यूट इंस्टेंस, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस क्या क्या होता है मैं आपको लिख देता हूँ, एक टर्म आपको बस ये चीज जाननी है, ठीक है, बस एक ही टर्म यहाँ पे। लाइक इसका बेस्ट पॉइंट क्या क्या है, ठीक है, कंप्यूट इंस्टेंस इसका बेस्ट पॉइंट क्या क्या है जो आपको यहाँ पे लॉजिकली देखना है, ठीक है। एक तो होता है उसका क्या ना, वर्कलोड्स ये, और उसके साथ अगर मैं इसको ऐड करूंगा वो है आपका डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी जो होता है वो वेरी क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका मैं अगर बताऊं तो उसका जो सबसे डिमांडिंग वाला फीचर है वो है उसका हाई परफॉर्मेंस, ठीक है। तीसरा जो है अगर बता जाए तो ये दो ही उसका बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये दो ही उसका स्पेशल पॉइंट है, ठीक है। बाकी इस पे अगर आपको ये चीज ध्यान रखनी है तो जहां पे आप अगर आप इंस्टेंस को चूज कर रहे हो तो वहां पे आपको ये कंसिडर करना है वर्चुअल सीपीयू कितने हैं इसमें। इसका जो वर्चुअल सीपीयू है वो है आपका 2 to 36, ठीक है। स्टोरेज, इसमें जो स्टोरेज होता है ये सबसे बड़ा मतलब यहाँ पे बात है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंस के ऊपर आपका जो स्टोरेज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रहता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का मतलब इन द सेंस लाइक अगर मैं स्टोरेज की बात करूं तो यहाँ पे एक स्टोरेज होता है ईबीएस ओनली, यानी कि जिसे मैंने बताया था इलेक्ट्रिक ब्लॉक स्टोरेज एक होता है, जहाँ पे हमारा डेटा क्या होता है स्मॉलर पीसेस में डिवाइड होता है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से स्टोर हो जाता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा क्या, दूसरा होता है हमारा इंस्टेंट स्टोरेज, यानी कि इंस्टेंट स्टोरेज का मतलब होता है क्या है ना, एक डेडिकेटेड स्टोरेज यूनिट जो क्या है ना उस सिस्टम के साथ डायरेक्टली अटैच रहता है, ठीक है। तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो आपको हमेशा ये चीज को ध्यान में रखते हुए क्या करना पड़ेगा, आपके जो इंस्टेंस आप क्रिएट कर रहे हो उसको हमेशा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको डेटा इमीडिएटली एक्सेस होना चाहिए तो वहां पे आपका जो स्टोरेज टाइप चूज करना है वो आपको चूज करना है क्या, हमारा इंस्टेंट स्टोरेज, ठीक है। अगर मैं बात करूं अगर आपको थोड़ा लेटेंसी चाहिए तो अब आप क्या कर सकते हो, ईबीएस को चूज कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे जो स्टोरेज हमें मिलता है वो है हमारा ईबीएस, ठीक है। उसमें रैम स्पेसिफिकेशन क्या है ना, इसमें जो रैम है वो आपको मिलता है 375 to, सॉरी एक्चुअली 375 नहीं है, ये 37.52 60 GB, ठीक है। इसका रैम का जो स्पेसिफिकेशन है वो ये, ठीक है। तो स्पेसिफिकली आपको दो चीजों को देखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक चीज है आपका स्टोरेज, दूसरा है आपका रैम, ठीक है। पुनीत, आपने वीएम यूज किया है, हाँ जी वीएम के अंदर कभी इंस्टेंस क्रिएट किए हो, हाँ जी किया वहां पे आप वर्चुअल सीपीयू लेते हो, वर्चुअल बिल्कुल रैम ही लेते हैं। प्रोसेसर, हाँ वहां पे ऑप्शन आता है एग्जैक्टली सेम चीज आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। इसमें इंस्टेंस क्रिएट करने में ज्यादा कुछ लॉजिक है, ठीक है। और इसके टाइप्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, इसमें हम फिलहाल अभी मतलब जो टाइप्स हम यूज करते हैं वो है हमारा C4, C5 एंड C5N, ठीक है। अभी जो कंप्यूट इंस्टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें अभी स्पेसिफिकली तीन ही इंस्टेंस आप क्रिएट कर सकते हैं, एक है हमारा C4, दूसरा है C5, तीसरा है C5N। और प्रीवियस अगर आप देखोगे वहां पे अगर आप होस्ट क्लाउड पे अगर जाओगे वहां पे आपको C3 इंस्टेंस में मिलेंगे, किसके लिए, कंप्यूट ऑप्टिमाइज, ठीक है। जहां पे ये जो C3 आपका मशीन है वो आपका क्या है ना, प्रीवियसली जो प्रीवियस मशीन से उसमें क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो वो चीज अगर आप चाहो, अगर पुराने वाले को इंस्टेंस है, अगर आप चाहो प्रीवियस वाले इंस्टेंस को चूज करने के लिए तो आप चूज कर सकते हो, उसका परमिशन आपको AWS अभी भी देता है। बट हाँ, AWS उसके साथ साथ ये भी वो बोल रहा है कि आप पुराने वाले लोग हैं तो पुराने वाले के जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग नया वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो काफी ज्यादा हाई है और आपको कम प्राइस में भी मैं दे रहा हूँ, तो आप उसको क्यों ले लो। तो इस वजह से वहां पे प्राइस के भी वेरिएशन आ जाते हैं, और प्रोसेसर आपके तो थ्रूपुट होता है तो थ्रूपुट का भी क्या होता है, वेरिएशन आ जाता है। तो जब आपको इंस्टेंस लेना है तो हर एक चीज का आपको प्रॉपरली डायग्नोसिस करनी है कि रिक्वायरमेंट किस चीज का है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपका C5 का, तो C5 में आपको तीन चीजें यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ C5 Instance के बारे में, ठीक है। ये क्या करता है ना, मैक सपोर्ट करता है हमारा मतलब डेटा स्टोरेज का लाइक 25 PBS, लाइक 25 नंबर्स ऑफ EBS वॉल्यूम्स को वो क्या करता है, सपोर्ट करता है टू स्टोर डेटा, ठीक है। ये उसका सबसे ज्यादा एडवांटेज है, किसका, C5 का, कंपैरिजन टू C4, C5 एंड C5n। C5 का जो स्पेसिफिक पर्पस होता है वो ये हाई डेटा स्टोरेज, और इस उस डेटा को बहुत हाई रेट पे प्रोसेस करके आउटपुट देने का जो एबिलिटी है, वो सिर्फ सिर्फ कंप्यूटर ऑप्टिमाइजेशन जो इंस्टेंस है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है आपका एक्चुअली ईबीएस जो होता है, अगर आप देखोगे तो वहां पे जो इंस्टेंसेस में आपको बोल रहा हूँ, हमारा जो डेटा स्टोरेज टाइप है ईबीएस और इंस्टेंस, वहां पे अगर दो चीज को कंपेयर करोगे तो एक होता है हमारा डायरेक्ट इंस्टेंस, यानी कि जो सिस्टम के साथ डायरेक्टली स्टोरेज हम यूज करते हैं, दूसरा होता है हमारा नेटवर्क इंस्टेंस, यानी कि जो ईबीएस होता है हमारा वो एक नेटवर्क एनवायरमेंट में कहीं पे हमारे साथ कनेक्टेड है, और हम थ्रू नेटवर्क उसके थ्रू क्या कर रहे हैं, डेटा स्टोर कर रहे हैं, वो मेरे सिस्टम के अंदर डायरेक्टली इंप्लीमेंटेड नहीं है, ठीक है। तो इसके वजह से उसको भी आपको याद रखना है कि आपका जो ईबीएस होता है वो आपका इलास्टिक नेटवर्क एडाप्टर है, ठीक है, यानी कि आप आपके सिस्टम के थ्रू वो डायरेक्टली अटैच नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बाकी अगर आपका और एक पॉइंट बताऊं जो आपको अभी थोड़ा अजीब सा लगेगा, कि C5 यूजेस EC2 हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर का मतलब क्या है, एनी आइडिया? हाँ जी, हाइपरवाइजर वो होता है ना जो वर्चुअल मशीन और हार्डवेयर के बीच में वो क्रिएट करता है कम्युनिकेशन यानी कि परफॉर्मेंस को कम्युनिकेशन। मैनेज करता है, ठीक है। तो इसमें जो हाइपरवाइजर यूज होता है वो C5 सॉरी EC2 के हाइपरवाइजर यूज करता है, ठीक है। ये होता है हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिसको आपको क्या करना है, कंप्यूटर ऑप्टिमाइजेशन सेक्शन में जब आप इंस्टेंस क्रिएट करोगे आपको उस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप जाओगे, उसके बाद का जो इंस्टेंस है वो है आपका क्या, मेमोरी इंस्टेंस, जहां पे आपको यहाँ पे तीन इंस्टेंसेस मिलते हैं, लाइक तीन सीरीजेस मिल सकते हैं आपको मिलते हैं। तीन सीरीज में क्या क्या है, एक सीरीज आपका आर, दूसरा एक्स रिफरेंस जी, पेन एक मिनट, तो यहाँ पे अगर आपको सीरीज मिल रहा है मेमोरी में, तो मेमोरी में आपको तीन सीरीज है, एक आपका आर है आर, दूसरा आपका एक्स, तीसरा आपका जी। अगर ये तीन सीरीज के इंस्टेंस आपको मिल रहा है तो आपको बात मत करके भी ये कंसीडर करना पड़ेगा ये हमारा मेमोरी में है, और आर सीरीज में जो आपको मिलता है वो है आपका R4, R5, R5A, R5D, R5AD, इस टाइप के आपको पांच इंस्टेंस मिलते हैं, ठीक है, आर सीरीज के। एस सीरीज की अगर मैं बात करूं तो एस सीरीज में आपको दो ही मिलेंगे, एक मिलेगा आपको X1, दूसरा मिलेगा आपको X1E, ठीक है। इसका स्पेसिफिक फीचर क्या है ना, हाई डेटा स्टोरेज, जैसे आपको मैंने बताया था मेमोरी इंस्टेंस, ये एक्चुअली मेमोरी इंस्टेंस मतलब यह हमारा प्राइमरी मेमोरी को ज्यादा स्ट्रेस देता है, ठीक है। मैक्सिमम प्राइमरी मेमोरी क्या करता है, कैरी करता है, लाइक एक्स का जो सीरीज है वो स्पेसिफिकली हाई एंड के लिए यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम रैम इंस्टेंस, यानी कि इसमें से कोई भी इंस्टेंस अगर आप पिक करोगे तो वहां पे आपको रैम क्या मिलेगा, ऑप्टिमम मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। जेड सीरीज में अगर आप जाओगे, जेड सीरीज में फिलहाल आपको लिए एक ही बताऊंगा जो है Z1D सीरीज, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, इस तरह का तीन, ठीक है। अगर मैं आर सीरीज की बात करूं तो आर सीरीज का जो सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है, लाइक आपको अगर वर्चुअल सीपीयू आपको मिलेगा तो वो मिलेगा आपको 2 to 96 तक का आपको मिल सकता है वर्चुअल सीपीयू, ठीक है। तो आपको चूज करना है वहां पे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका कंप्यूटिंग स्किल्स, आप वो मतलब कितना कंप्यूटिंग आपको चाहिए, कंप्यूटेशन के ऊपर ही आपको क्या करना है, वर्चुअल सीपीयू को चूज करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, उसके बाद है आपका रैम। अगर मैं रैम की बताऊं तो मैंने ऐसा आपको बताया था हमारा मेमोरी इंस्टेंस क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी को पहले से स्ट्रेस देता है, तो यहाँ पे जो रैम होता है रहता है हमारा, ये हमारा 16 to 768 GB तक होता है, कोई भी इंस्टेंस में एक्सेप्ट हमारा मेमोरी इंस्टेंस, किसी में भी आपको हाई एंड के रैम नहीं मिलेंगे, ठीक है। और इसमें आपको और देखनी है तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप जो स्टोर करोगे, स्टोरेज जो होगा,
तो यहाँ पे बस ईपीएस ही आपको मिलेगा। आप अगर चाहो तो ईपीएस छोड़ के मैं अगर एक्सेस करूँ स्टैंडर्ड इंस्टेंस को, मतलब जो इंस्टेंस स्टोरेज को, तो यहाँ पे वो फीचर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये तीन चीजें भी आपको क्या करना है आर सीरीज के अंदर आपको याद रखना है। ठीक है, एक्स सीरीज के अंदर आपको क्या याद रखनी है ना, आर सीरीज के कुछ मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपका क्या है ना, आपका जो रैम इंस्टॉलेशन है वो काफी ज्यादा हाई रहता है। तो यहाँ पे जो वर्चुअल सीपीयू आप कैरी करते हो ये 4 to 128 का होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आप रैम लेते हो, रैम आपका होता है 122 से सब का स्टार्ट होता है, यानी कि 122 GB से वो स्टार्ट होता है, ये अप टू आपका 3904 GB तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बात है, यहाँ पर एक चीज देख लेना, ये 3404 या 06, थोड़ा कंफ्यूजन है उसको अगर क्लैरिटी कर देना। ठीक है, बट ये 390 तक ही, मतलब 04 तक ही जाता है। ठीक है, या इधर यही होगा या फिर उससे 2 करोड़ ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बताऊं तो इसका जो स्टोरेज होता है वो इंस्टेंट स्टोरेज है, और उसको स्टोरेज के लिए किसको यूज करता है, SSD को यूज करता है। ठीक है, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव को भी यूज करता है। ठीक है, और ZX सीरीज की मैं बात करूं तो ये हमारा लाइक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। एक्चुअली अगर मुझे मोटेड मेमोरी चाहिए तो मैं वहां पर क्या करूंगा, तो सॉरी मुझे एक्चुअली, हाँ मतलब एवरेज टाइप की अगर काम करने के लिए मुझे अगर मेमोरी चाहिए तो मैं वहां पे आर सीरीज को यूज कर सकता हूँ। एक्स सीरीज का भी यूज करूंगा जब मुझे एक्सट्रीम लेवल के परफॉर्मेंस की नीड होगी, हाई स्टोरेज जब मैं यूज करूंगा। तीसरा होता है जेड, जेड वहां पे क्या करता है, इन दोनों के बीच की तरह काम करता है। ठीक है, जहां पे आपको वर्चुअल सीपीयूज कितने मिलेंगे, वर्चुअल सीपीयूज आपको मिलेंगे 2 to 48 का, रैम आपको मिलेंगे 16 to 348 GB का, एक्चुअली 348 नहीं है सॉरी, ये आपका होगा 384 GB का। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो स्टोरेज होता है वो आपका होता है NVMe SSD, NVMe का मतलब नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, ये टाइप का SSD को स्टोर करता है। तो ये हमारा जो Z सीरीज है वो बेसिकली क्या होता है ना, इन दोनों के बीच में अगर आपको एवरेज प्रोसेसिंग चाहिए, ना मुझे लो की जरूरत है ना मुझे बिल्कुल हाई एंड की मेमोरी मुझे रिक्वायर्ड है, तो आपको वहां पे क्या करना है कि इंटरमीडिएट टाइप के इंस्टेंस की आपको नीड है वो है आपका मेमोरी इंस्टेंस, और मेमोरी इंस्टेंस पे आपको चूज करना है जेड सीरीज। जहां पे फिलहाल अभी हमारे पास Z1D सीरीज हमारे पास अवेलेबल है, जिसको आप क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं इंस्टेंस की बात करूं तो यहाँ पर उसके बाद का जो इंस्टेंस आता है वो आपका स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, तो स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड में फिलहाल आपको कितने सीरीज मिलेंगे ना, फिलहाल आपको 3 सीरीज मिलेंगे। ठीक है, एक मिलेगा आपको, एक्चुअली इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका मेरे पास है, DHI, वो एक वो एडवर्टाइजिंग में नहीं होता था कुछ वो उस टाइप का DHO करके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, DHI करके उसको याद कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो डी सीरीज है, ठीक है, डी सीरीज आपका क्या करेगा ना, ये एक्चुअली बेसिकली बात करूँ तो मैक्सिमम डेटा प्रोसेस के टाइम भी उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टोरेज है उसका एक स्पेसिफिक की टर्म आपको मिलेगा, वो है आपका सिक्वेंशियली रीड एंड राइट डेटा। आप स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन में परफॉर्म कर सकते हो, लाइक एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में आप क्या कर सकते हो, साइमल्टेनियसली डेटा स्टोर भी कर सकते हो और डेटा रिट्रीव भी कर सकते हो, यानी कि रीड भी कर सकते हो डेटा राइट भी कर सकते हो। ठीक है, डी सीरीज की अगर मैं बात करूं तो डी सीरीज के जो वर्चुअल सीपीयूज होते हैं वो है आपका 4 to 36 GB का, सॉरी 36 टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं रैम की बात करूं तो रैम आपका रहेगा मान लो 30.5 to 244 GB तक, ओके। और यहाँ पे स्टोरेज है तो स्टोरेज आपका सिंपली रहेगा SSD। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता रखा था यहाँ पे जो स्टोरेज होता है वो काफी ज्यादा हाई पे रहता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो स्टोरेज होता है वो SSD यूज होता है, डेटा परमानेंटली स्टोर रहे। ठीक है, उस जगह पे अगर आप छोड़ोगे और जाओगे किस पे ना, आपका एज के पास, तो एज सीरीज में आपको मिलेगा, एज सीरीज अगर आप इंस्टॉल चूज करते हो तो वहां पे आपको क्या है ना, आपको वर्चुअल सीपीयू जो कंसीडर करना है वो आपको करना है 8 to 64 का। ठीक
ठीक है। अगर आप देखोगे डीप में तो ये था आपका 4 to 36 का, ठीक है, तो ये आपका थोड़ा हाई एंड का मिलता है कंपैरिजन टू डी सीरीज। अगर मैं बात करूं यहाँ पर रैम की, तो यहाँ पर रैम भी उससे कंपैरिजन में ज्यादा है जो 32 से 256 GB तक जाता है। और यहाँ पर जो आपको स्टोरेज मिलता है वो एसएसडी नहीं मिलता, वो आपको मिलता है एचडीडी, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पेसिफिकेशन आपको मिलता है। और मैं अगर आई सीरीज की बात करूं तो आई सीरीज आपका होता है हाई फ्रिक्वेंसी डेटा ट्रांसमिशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। लाइक आपको अगर बहुत ही रैपिडली डेटा आपको इमिडिएटली नीड है, लाइक आप इस तरह से कर सकते हो। लाइक मुझे अगर कोई जैसे जैसे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्ड ड्राइव है, ठीक है, एक होता है हमारा अटैच हार्ड ड्राइव, दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। जो अटैच जिसको मैं इंटरनल हार्ड ड्राइव बोलते हैं, तो उसमें जब हम डेटा स्टोर करते हैं, अगर इनकेस मुझे कोई डेटा इमीडिएटली नीड होता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे इमीडिएटली डेटा रिट्रीव भी कर सकते हैं। बट अगर उस चीज को अगर आप देखोगे एक्सटर्नल के थ्रू, अगर मुझे डेटा नीड है तो एक्सटर्नल को कनेक्ट करो, तो वहां से डेटा रीड करो, वहां पर अगर कुछ फॉल्ट होता है, मेरा डेटा जो रिट्रीव हो रहा है वो क्या हो रहा है, थोड़ा प्रोसेसिंग स्लो हो रहा है, तो वहां पर लेटेंसी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली जो आई सीरीज है वो आपका होता है रैपिडली डेटा एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू को आप उनके सामने रखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो कुछ इस तरह का होगा। तो आई सीरीज का जो आपका स्पेसिफिकली जो नीड होता है वो रहता है आपका वर्चुअल सीपीयू आपका रहेगा 2 to 56 का, ठीक है। रैम अगर आपका रहेगा वो रहेगा 16 to 768 GB का, ठीक है। और दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपका स्टोरेज रहता है वो NVMe SSD रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो डेटा प्रोसेसिंग होता है वो काफी ज्यादा हाई रहता है। अगर मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताऊं, डेटा रीड करने का जो स्पीड होता है, ठीक है, कंपैरिजन टू ये ज्यादा हो जाएगा छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। अब फिर बता देता हूँ रीड करने का जो स्पीड होता है वो 16 GBPS होता है। किसका? अगर मैं i3, एक्चुअली i में एक इंस्टेंस जिसको हम i3 बोलते हैं, ठीक है। इस i3 इंस्टेंस में H में जो सीरीज में इंस्टेंस आपको मिलेगा वो है H1, D में जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा D2, ठीक है। और I में मिलेगा आपको i3 इंस्टेंस, ठीक है। तो i3 जो इंस्टेंस है, i3 इंस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो वहां पे रीड एंड राइट करने का जो स्पीड है वो आपको मिल जाएगा। रीड करने का स्पीड दोनों में नियर अबाउट 16 MBPS भी रहता है, और राइट करने की अगर बात करूं तो वहां पे 64 GBPS के आसपास आपका डेटा स्टोर होता है। किसमें? सॉरी, राइट करता है किसमें? i3 में। अगर मैं बात करूं आपका, सॉरी, 64 GB का, ठीक है, 6.4 है, नो 64, 6.4, सॉरी। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे i3 का और एक वर्जन है जिसको हम बोलते हैं i3e, तो यहाँ पे जब डेटा स्टोर होता है तो वहां पे राइट करने का टाइम वो वहां पे स्पीड यूज करता है 8 GBPS, ठीक है। तो ये होता है राइट, सॉरी, रीड एंड राइट का सीक्वेंशियल स्पीड, ठीक है। तो जिसको आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, बट ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिकली आपको याद रखना है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है, वर्चुअल सीपीयू किसमें कितना है, रैम उसके अकॉर्डिंग कितना है, स्टोरेज आपको कितना मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे कंसिडर करूँ तो यहाँ पे आपको और एक चीज मिलेगा जो है आपका एक्सेलरेट कंप्यूटिंग इंस्टेंसेस, ठीक है। तो एक्सेलरेट आपका क्या है ना, एक्सेलरेट अगर मैं बात करूँ तो ये आपका परफॉर्म करता है जहां पे आपको ज्यादा जीपीयू की जरूरत है, ठीक है। एक्सेलरेटेड इंस्टेंस, मैं एक्सेलरेटेड बस लिख देता हूँ, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, जहां पे आपको हाई जीपीयू की परफॉर्मेंस होगी, जहां पे हाई जीपीयू की नीड होगी, वहीं पे आप क्या करोगे, इस एक्सेलरेटेड प्रोसेस को क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे। और यहाँ पे आपको 3 सीरीज मिलते हैं। अगर मैं एक्सेलरेट की बात करूं तो पहला जो सीरीज मिलेगा वो है आपका पी सीरीज, ये आपका पी है। दूसरा आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको जी। तीसरा आपको मिलेगा एफ, ठीक है। अगर मैं पी सीरीज की अगर मैं बात करूं तो पी, सॉरी, एफ सीरीज की अगर मैं बात करूं, एफ सीरीज में जो पहला आपको मिलता है वो है आपका F1। एक्चुअली इसमें एक ही है F1, ठीक है। तो यहाँ पे एफ सीरीज में F1 में अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको वर्चुअल सीपीयू कितने मिलेंगे, 8 to 64 की, और आपका जो जीपीयू है, ठीक है, लाइक उसके लिए हम एक टॉप यूज करते हैं वो FPGA,
जिसको आप बोलते हैं फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरेज। ठीक है, ये एक्चुअली क्या करता है ना, इसे एक्सेलरेट जो कंप्यूटिंग इंस्टेंस है उसको क्या करता है, पावर सप्लाई करता है। लेकिन इसके लिए मान सकते हो जो जीपीयू प्रोसेसिंग होता है उसको ये मैनेज करता है। तो आपको भी उसको, आपको क्या करना है उस इंस्टेंस के अंदर, इसको भी क्या करना है आपको चेक करना है, जहां पे आपका जो एफपीजीए है वो आपका है 1 to 8, यानी कि आप एक्स्ट्रा इंपोर्ट कर सकते हो जीपीयू के हिसाब से। और आपका यहाँ पे जो रैम रहेगा वो रहेगा आपका 122 से 976 GB तक। और यहाँ पे आपका जो स्टोरेज होगा वो आपको रहेगा एनवीएम एसएसडी रहेगा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे एनवीएम ई रहता है, यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी इलास्टिक, वो वहां पे रहता है, वो रहता है हमारा एसएसडी टाइप। ठीक है, और इसका यूज आपको कहाँ मिलेगा ना, बेसिकली मैं आपको बता रखा हूँ कि एक्सेलरेटर जो होता है वो हाई ग्राफिक को प्रोसेस करने के काम भी यूज होता है। तो आप इसको इसे कर सकते हो कि कहीं पे अगर फाइनेंशियल एनालिटिक हो रहा है, काफी ज्यादा ग्राफिक्स यूज हो रहा है, तो आप यूज कर सकते हो वीडियो प्रोसेसिंग करने के लिए, या फिर बिग डेटा रिसर्च टाइप पे, इस टाइप पे जगह पे आप क्या कर सकते हो एक्सेलरेटर को इनपुट करने का, यानी कि इम्पोर्ट करने का सोच सकते हो। ठीक है, अगर मैं आप पी सीरीज की बात करूं तो पी सीरीज में आपको दो ही इंस्टेंस मिलेंगे, एक मिलेगा आपको P2, दूसरा मिलेगा आपका P3। ये ऑपरेटेड वाला कॉन्सेप्ट के हिसाब से है, एक मिलेगा आपको P2, दूसरा मिलेगा आपको P3। इसमें क्या है ना, आपको एनवीडिया टेस्ला का जीपीयू प्रोवाइड करता है, और हमारा AWS, यानी कि यहाँ पे आपका जीपीयू को लेके कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। हाई एंड पे आपको प्रोसेसिंग मिलेगा, अगर आपको जीपीयू की काफी ज्यादा नीड है तो आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जहाँ पे अगर मैं यहाँ पे P2 की स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन करूँ P3 के साथ, तो इसमें वर्चुअल सीपीयू कितने हैं, इसमें है 4 to 64, जबकि P3 का वर्चुअल सीपीयू कितना है, 8 to 96 तक का है। यानी कि P3 हमारा क्या है, हाई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के टाइम हम इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जीपीयू की बात करूं तो जीपीयू आपका 1 to 16 है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जीपीयू के, तो ये आपका क्या है ना, 1 to 8 है। यहाँ पे आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज मिलेगा ये प्रोसेसिंग के प्रैक्टिकली हिसाब से। कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होगा ये सब कुछ फिर? आपका देखो, जहां पे आपको बिग डेटा रिसर्च करना है, या फिर कहीं पे आपको वीडियो प्रोसेसिंग का आपको टास्क मिला है बहुत ज्यादा, या फिर आप इस तरह से करते हो साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, जहां पे आपको क्या बोलते हो उसको, तो फिर सैटेलाइट मुझे वगैरह ये करना है, लॉन्चेस करना होता इंस्टेंस है, टाइप सिलेक्ट करना होगा, सही कौन सा? आपको सेम चीज आपको चूज, आपको वहां पे देखो अगर आपको रिसर्च सेंटर के हिसाब से अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको जीपीयू ज्यादा चाहिए, प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग आपको जीपीयू क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, P2 को यूज कर सकते हो, क्योंकि P2 पे अगर आप देखोगे तो वहां पे कंपेरिजन टू P3 जीपीयू क्या है, ज्यादा है। ठीक है, प्रोसेसर भी ठीक ठाक है, 64 तक है, यहाँ पर 96 तक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, कहीं पे अगर आप जाओगे जैसे फिल्म इंडस्ट्री हो गया, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो वहां पे ग्राफिकल एडिटिंग ज्यादा होता है, सॉरी मैं पे आपको उलट पुलट कर दिया। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च सेंटर देखोगे तो वहां पे प्रोसेसिंग ज्यादा है, उसके साथ साथ आपको जीपीयू भी क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको चूज करना होता है। तो वहां पे आप क्या करोगे, P3 को यूज करोगे। अगर मैं P2 की बात करूं तो आप फिल्म लाइन पे देखोगे, वहां पे प्रोसेसर के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता, सारे चीज मैक्सिमम चीज क्या होता है, एडिटेबल होता है। लाइक आप एडिट करते ही उस चीज को क्या करोगे, फ्रेम को बिल्ड करोगे, तो वहां पे आपका जीपी यूटिलाइजेशन मैक्सिमम लेवल पे रहता है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, P2 को यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके टाइम पे अगर आप देखोगे जैसे आपका जो हमारा इकोनॉमी भी डाउन गया है, मतलब जो आपका फाइनेंशियल स्टेट है उसको जब आप एनालिसिस करोगे तो वहां पे हर एक चीज के लिए आप क्या करते हो, ग्राफिक्स को यूज करते हो, हर एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस चीज के लिए भी आप इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को यूज कर सकते हो। तो इस तरह से काफी ज्यादा, जहां पे आपको लगेगा कि जीपीयू रियल फील्ड में एग्जिस्ट, मतलब यूज होना चाहिए, उसी जगह पे आप इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को एज्यूम कर लो, वहीं पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे आपको बस ये चीज को याद रखनी है, सीपीयू और रैम के कंपैरिजन को, जो आपको क्या करना है, हेल्प करना, मतलब आपको हेल्प करेगा पर्टिकुलर डिवाइस को चूज करने में। ठीक है, ये आपका 64 को 768 GB है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो
जीपीयू रैम अगर मैं पे भूल गया लिखना, जीपीयू रैम अगर मैं पे बताऊं तो यहाँ पे आपको मिलता है 2 to 192 GB का, जबकि यहाँ पे आपको जीपीयू रैम क्या मिलता है, जीपीयू सॉरी रैम आपको क्या मिलता है ना, आपको यहाँ पे जीपीयू रैम P3 में आपको शायद नहीं मिलता है, मुझे नहीं लग, मुझे याद नहीं आ रहा जीपीयू उसका, बट उसका जीपीयू नहीं मिलता। 1 मिनट, इसका जीपीयू आपको नहीं मिलेगा, 1 मिनट में एक बार थोड़ा एक्शन कंफर्म कर दूं, ठीक है। P3 इंस्टेंस GPU 16 to 256 दिखा रहा है सिक्सटीन जीपीयू टू रैम। टू फिफ्टी दिखा रहा है, मुझे ये चीज थोड़ा याद नहीं है, दिमाग से कुछ पर थोड़ी। तो यहाँ पे वो चीज अगर आपको याद है तो यहाँ पे लिख देना, ठीक है, जीपीयू मैम ना, जीपीयू मेमोरी। GPU RAM, हाँ GPU RAM मेमोरी नहीं, GPU RAM। GPU मेमोरी तो ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूँ 1 to 18 होगा और 1 to 16 होगा P2 पे। RAM देखना है रैम तो लिखा नहीं हुआ है इन्होंने यहाँ पे सच। एक्चुअली प्रोसेसिंग के लिए, इसे कुछ लिखा नहीं है ना, मैं वही बोल रहा हूँ, इस वजह से मैंने उसको याद नहीं, इसके साथ है नहीं, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ इसमें स्टोरेज की, तो स्टोरेज यहाँ पे आपको मिलेगा SSD और EBS, दोनों का कंपेटेबिलिटी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो आप अगर SSD चाहो तो यूज कर सकते हो, EBS चाहो तो यूज कर सकते हो, बार बार, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो मेमोरी मिलता है किसमें, हमारे P2 में, वो भी आपको दो ही ऑप्शन में मिलता है, वो है आपका SSD, दूसरा मिलता है आपका EBS। आप दोनों ऑप्शन में किसी को भी क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो, ठीक है। तो और उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, अगर मैं बात करूँ G2 G3 की, तो G2 G3 आपका क्या रहेगा ना, आपका इस तरह से मान सकते हो, जहां पे ऑप्टिमम ग्राफिक्स अगर आप यूज करना है तो वहां पे आप क्या करोगे ना, जी सीरीज को कंसिडर करोगे, ठीक है। लाइक इसका अगर मैं रियल फील्ड के आपको एग्जांपल दूं, वो ही होगा लाइक आपको, हाँ यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। देखो अगर मैं आपको बता, गूगल अर्थ के बारे में याद है, हेलो हाँ जी याद है। गूगल अर्थ करके एक फीचर हमारे पास है, जो क्या करता है, अर्थ का एक बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, जो ग्राफिकल व्यू हमारे सामने प्रेजेंट करता है वो कैसा रहता है, वो ऐसा फील नहीं होता, बिल्कुल रियल है, बिल्कुल यानी कि वर्चुअलाइजेशन काफी ज्यादा वहां पे इम्प्लीमेंटेड है। तो उस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको दो इंस्टेंस मिलेंगे, एक मिलेगा G2, दूसरा मिलेगा आपको Z3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो कंपैरिजन करना है, आपको वर्चुअल सीपीयू आपको मिल सकता है 4 to 64 के लिए, जीपीयू आपको वहां पे मिलेगा 1 to 4 का, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो रैम है वो आपका मिलेगा 30.5 to 488 GB तक, और यहाँ पे जो जीपीयू रैम है वो आपको मिलेगा 8 to 32 GB तक, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्या है ना, परफॉर्मेंस लेवल होता है, जिसका आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं ऐसे पूछेंगे वो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये प्रैक्टिकल आपको ये चीज कंसीडर करना है, ये जो वैल्यूज में लिख रहा हूँ उसका आपको याद रखना है, क्योंकि अच्छा जी प्रैक्टिकल जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपको इंस्टेंस के नीड को प्रॉपरली डायग्नोसिस करना है, ठीक है। ओके ओके जी वहां पे आपको यही पूछेंगे कि ग्राफिकल यूजर में से, मतलब आपका जो एक्सेलरेट है, लाइक आप सब बोलेगा कि G2 कौन से मेमोरी इंस्टेंस के टाइप है, आपको वहां बताना है एक्सेलरेटर टाइप है, अगर आपको याद है तो। एक्चुअली मैं बता देता हूँ, जिस इसके टू साइड, मतलब दो इंस्टेंस है आपको मिल सकता है, एक आपका G2 दूसरा आपका G3, ठीक है। और तीसरा जो रहा आपका, मैं यहाँ पे आखिरी का टॉपिक सॉरी, ये हो गया आपका 3, वो आपको ये बताया था, इरा 4 5 3 5 है, अभी 2 रह गया ना, 2 रहने से मैं एक बताया था आपको, जो है आपका प्रीवियस इंस्टेंस, ठीक है। प्रीवियस इंस्टेंस में क्या है, सॉरी प्रीवियस इंस्टेंस में क्या है, जो मशीन टाइम के हिसाब से अपग्रेड नहीं हो गए, ठीक है, और जो हमारा पुराना हो गया, उसको प्रीवियस इंस्टेंस, अगर मैं प्रीवियस इंस्टेंस की बात करूं तो जो टाइम के हिसाब से अपग्रेड हो गए तो वो हो गए, जो अगर टाइम के हिसाब से अपग्रेड ना होकर रह गए तो वो वहां पे क्या करेंगे, इस प्रीवियस इंस्टेंस पे आ जाएंगे, ठीक है। जहां पे आपको काफी सारे वर्जन मिलेगा, T1 M1 C1 C1 2, और आपको ये भी मिल सकता है M2 मिल सकता है, ठीक
CG1 मिल सकता है, I2 मिल सकता है, HS1, M3, C3 एंड R3। तो ये काफी सारे आपका क्या है ना प्रीवियस इंस्टेंस में अवेलेबल हुए मशीन्स है, ठीक है, इंस्टेंस है। आप चाहो तो उनको यूज कर सकते हो, बट आप एक्चुअली रिकमेंडेड नहीं है कि आप पुराने वाले मशीन को यूज करो, क्योंकि पुराने वाले जो मशीन हो चुके हैं उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से अभी हमारे पास जो डिवाइसेस अवेलेबल है वो काफी बेहतर है। तो AWS वही बोलता है कि अगर आप पुराने वाले मशीन लोगे उस प्राइसिंग के हिसाब से, अगर आप नया वाले लेते हो तो आपको उससे कंपैरिजन, मतलब उसके कंपैरिजन में आपको लोअर प्राइस में मिलेगा और उससे आपको बेटर परफॉर्मेंस भी मिल सकता है, तो आप पुराने वाले मशीन को क्यों लोगे। बट स्टिल कुछ कंपनीज हैं जो प्रीवियस इंस्टेंस में अभी भी है तो वो फिलहाल उसको कंटिन्यू भी कर रहे हैं, तो इस वजह से सारे इंस्टेंस यहाँ पे क्या है अवेलेबल है, आप चाहो तो उसका एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो पुनीत आज के लिए मैं सेशन को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। ठीक है, हाँ जी, हाँ बाकी जी, आपका एक इंस्टेंस रह गया आपका हाई मेमोरी इंस्टेंस, इसको उस चीज को डिस्कस करने के बाद आप क्या करेंगे डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे मूव करेंगे। ठीक है जी, ठीक ठीक है, तो है जी, कल इसको करेंगे बाद प्रैक्टिकल। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, श्योर, ओके पुनीत, आप ओके गुड जी, डे। बट थैंक यू, हाँ पुनीत, आपका आपका एक चीज रह गया वो है क्रॉस रीजनल रिप्लिकेशन। ठीक हाँ है, जी, उस चीज को आपको थोड़ा देखना है और देखने के बाद मुझे बताना है, अगर समझ में नहीं आए तो मुझे बताना, उसको प्रैक्टिकल करके आपको और रिप्लाई में समझा दूंगा। ठीक ठीक है है, जी, मैं देखता हूँ, हाँ जी, क्योंकि क्रॉस रीजनल एप्लीकेशन बैकअप स्टोरेज के हिसाब से बहुत ज्यादा सही रहता है, ठीक है, अच्छा जी, और मोस्ट डिमांडिंग फीचर्स भी है, तो आप उसको प्रैक्टिकल एक बार समझ लो। ठीक है, ठीक है जी, अगर कोई भी कुछ इश्यूज होता है तो मुझे इमीडिएटली पिक करना पड़े। ठीक है, मैं डेफिनेटली, आपको, श्योर सर, ओके पुनीत, थैंक यू फॉर द थैंक यू, सेशन, थैंक यू, थैंक यू। सी यू टुमारो।